मैं हूँ उर्विका। आज हम बनाने वाले हैं मेथी पराठा। मेथी पराठा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आइए देखिए। ये मेथी मैंने बारीक समारी हुई है, लहसुन, हरा प्याज, धनिया, ये मैंने चीज़ को ग्रेट किया हुआ है, देन मूली, गाजर, गेहूं का आटा और अमूल बटर। सबसे पहले हम अपनी सब्जियों को धो लेंगे। अब हमने अपनी मेथी, प्याज और लहसुन और धनिया को धो लिया है। अब हम इसे बारीक काटेंगे। गाजर और मूली को हमने ऑलरेडी ग्रेट कर लिया है। अब हमने अपनी सारी मेथी, लहसुन, प्याज, धनिया सबको बारीक काट लिया है। उसमें अब करीब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप आटा ले लीजिए। इसमें गाजर, मूली को भी डाल दीजिए। चीज को भी अब इसमें जरूरत हिसाब से लहसुन, अदरक और हरी मिर्च की चटनी में डाल रही हूँ। साथ ही मसाले, नमक, हल्दी, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, और आधा चम्मच आमचूर पाउडर। अब इस सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इसमें मूली डाला हुआ है जो कि पानी छोड़ रहा है। हमारा आटा गूंथ के तैयार हो चुका है, देखिए। अब हम जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसे ही इसकी रोटी बेल ले।
और उसमें लगाएंगे अमूल बटर थोड़ा सा ही। आप चाहे तो आप तेल या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं अमूल बटर यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा बटर ऊपर से भी लगा लीजिए। अब इसे अच्छी तरह से सिकने दीजिए। एक साइड से हमारा पराठा सिक चुका है, मैं थोड़ा और बटर लगा रही हूँ ताकि पराठा नरम रहे। अब हमारा पराठा दोनों साइड से सिक चुका है, आप चाहे तो कुछ देर और इसे सिकने दे सकते हैं या फिर उतार सकते हैं। तैयार है हमारा मेथी का पराठा। आज हमने बनाना सीखा मेथी के पराठे, जो बेस्ट ऑप्शन है सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।